सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को जरूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही सैड सा टॉपिक। गाइस, सैड ही बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर जो बातें आपको सुनने को मिलेगी वो लगेगा आपको कि आपके साथ ये हुई घटनाएं हैं जो आपने देखी होंगी, मेरे साथ भी घटित हुई हैं और आपके साथ भी घटित जरूर हुई होंगी, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो। एक टीचर होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते आपने भी लाइफ में ये चीजें देखी होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। गाइस, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जो एक टीचर और एक स्टूडेंट, मतलब एक गुरु और एक चेले के ऊपर है, या कहें एक विद्यार्थी के ऊपर है। गाइस, हर बार देखा गया है कि एक विद्यार्थी अपने टीचर की सारी बातें मानता है, जो टीचर कहते हैं उसको करता है, जैसा टीचर बताते हैं वैसा वो मानता है, जैसा टीचर समझाना चाहते हैं वैसा वो समझता है और उम्मीद करता है कि अपने टीचिंग रिजल्ट में मैं बेहतर से बेहतर बनकर दिखाऊं और बनकर रहूं। इसको कुछ लोग चमचागिरी कह देते हैं कि शायद वो तो चमचागिरी करता है, कि शायद वो तो उनके चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। हाँ गाइस, इसमें से सकता कुछ आपके दोस्ती हो, ऐसा आपने सुना होगा, आपके लिए मैंने भी सुना है मेरे लिए। गाइस, वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं अध्यापक की, तो एक टीचर भी बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। एक विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं कैपेबल तो है लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी को नहीं जानता, उसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानता, उसमें क्षमता तो है किसी चीज को करने की, पाने की, हासिल करने की, लेकिन वो फिर भी उससे दूर है। एक विद्यार्थी जो पिछले 9-10 सालों में कभी फर्स्ट नहीं आया, कभी सेकंड नहीं आया, कभी थर्ड नहीं आया, एक नकल के भरोसे या रट्टा मारने के भरोसे वो पास हुआ, सिर्फ पास हुआ। फिर एक टीचर उसकी जिंदगी में आता है जो उसको सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, जिसको देखकर सुनकर समझकर उस पर चलता है और एक अच्छी पोजीशन क्लास में प्राप्त करता है। लेकिन कब तक? और एक वक्त ऐसा आता है कि उस विद्यार्थी की नजर में उस टीचर की अहमियत जीरो आती है, शून्य है। क्यों पता नहीं, मैं इस बात को पता करने की मैंने बहुत कोशिश करी, कईयों से पूछा, सबने अलग अलग राय दी। कोई कहता है टीचर सेल्फिश होता है, कोई कहता है स्टूडेंट सेल्फिश होता है। गाइस, सेल्फिश कौन होता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ साथ गाइस, मेरा मानना क्या है, मैं क्या मानता हूं, मेरे मानने से जरूरी है आपके दिमाग में यह बात जाना। पढ़ाई, समझ में आने की चीजें, नंबर लाने के तरीके, पेपर करने के आइडिये, अगर आपको आते तो आप किसी इंस्टीट्यूट में क्यों जाते? और अगर आपको नंबर लाने का, किसी चीज को समझने का तजुर्बा होता तो आप किसी और के तजुर्बे के लिए क्यों बैठते? और इसके साथ साथ कुछ तो ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो इस बात को आसानी से बोल देते हैं कि मैंने तो पैसे दिए हैं तब मैं पढ़ा हूं। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा, अगर पैसे से ज्ञान मिलता, अगर पैसे से ज्ञान मिलता तो धनवान बहुत ज्ञानी होता। लेकिन अगर आप समझेंगे और सोचेंगे तो जितने भी ज्ञानी बने ना, वो ज्ञानी कहां से चले हैं? फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, मतलब उन्होंने धरती सफर से तय किया है, शुरुआत जमीन से करी है, गरीब से अमीर बने हैं। लेकिन फिर भी लोगों की मेंटेलिटी को हम बदले कैसे? वो तो जहां की तहां वहीं अटकी पड़ी है, पता नहीं कब तक अटकी रहेगी। और गाइस, सबसे बड़ी बात, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ये बात आसानी से बोल देते हैं कि यार मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए और मेरे नंबर भी नहीं आए। मतलब आप फोल्ड देना चाहते हो टीचर का,
मतलब गलती किसकी है, टीचर की। आप बता रहे आते हो कि आपके टीचर ने आपके साथ गलत किया। एक बात बताओ, पेपर कौन दे रहा है, आप। स्कूल कौन जा रहा है, आप। एग्जाम कौन देख रहा है, आके एग्जाम करते समय आप देख रहे हो ना। टीचर का काम तो आपको इंस्ट्रक्शन देने का है, समझाने का है, बताने का है कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना। लिख तो आप रहे हो एग्जाम में, अगर आपके लिखने में प्रॉब्लम है तो टीचर गलत कहां से हो गया। गाइस एक बात और, मैं बहुत ही सिंपल सी बात बोलूंगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाए। अगर मेरी बातों से किसी का दिल को ठेस पहुंचे तो पहुंचनी चाहिए ठेस, थोड़ी बहुत ठेस लगनी भी जरूरी है, क्योंकि चोट लगने के बाद शायद दर्द का एहसास हो, दर्द होता क्या है। गाइस छोटी सी बात, एक टीचर अगर 10 बच्चों को पढ़ाता है, 10 बच्चों में से 2 बच्चे पास जाते हैं और 2 बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, 8 बच्चे अच्छा नंबर लेके नहीं आते हैं, तो एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि टीचर ने कहीं ना कहीं थोड़ा गलत पढ़ाया था यार। लेकिन अगर 10 बच्चों में से 8 बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं और 2 बच्चे नंबर ला नहीं पाते, तो ये कह सकते हो यार इस बात को कि टीचर ठीक था, शायद उन बच्चों ने मेहनत ना करी। लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात, अगर एक विद्यार्थी अच्छे नंबर ले आए तो कभी टीचर का नाम नहीं लेगा, वो सिर्फ अपना नाम लेगा कि मैंने मेहनत की थी, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने रात दिन एक किया और मेरे नंबर तबाह हैं। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होगा, ना उसका वो नाम लेगा, ना उसके बारे में कुछ बोलेगा। लेकिन अगर उसके नंबर कम आए हैं और अगर बाई चांस वो फेल हो गया है, तो भैया सारा का सारा बिल फटेगा टीचर के ऊपर। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने अच्छा नहीं बताया, टीचर ने हमको ये नहीं दिया, टीचर ने हमको वो नहीं दिया, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी। वाह रे वाह, क्या बात है, सही है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। कब तक जाओगे? हर इंसान को एक दिन स्टूडेंट से हटकर टीचर की तरह सोचना पड़ता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। हर किसी की जिंदगी में दिन घूम कर आता है, आपकी जिंदगी में आ सकता है। Hey guys, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन बातों में बहुत कुछ चीजें जानने वाली हैं और समझने वाली हैं। मेरी बातें कुछ एक के दिलों को चोट पहुंचाएंगी और कुछ एक को अच्छी लगेंगी। जिनके दिल को चोट पहुंचाए वो बुरा मानने के बजाय समझे इस बात को। यार कैपेबिलिटी तो एकलव्य में बहुत थी, एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य, बहुत कैपेबिलिटी थी, धनुषधर था बहुत बड़ा। उसने गुरु ने कहा कि यार मुझे अपना अंगूठा दे, उसने अंगूठा दे दिया। लेकिन अगर आज एक टीचर अपने विद्यार्थी से अंगूठा मांगने की गलती कर देना, तो स्टूडेंट टीचर का अंगूठा नहीं हाथ ही निकाल लेगा बाहर, क्यों पता नहीं। यार हमारे टीचर भी हुए हैं, हमारे टीचरों ने पढ़ाया हमको, हमने तो अपने टीचरों को भी गाली नहीं बकी, हमने तो अपने टीचरों को गलत नहीं कहा, हमने अपने टीचरों को कभी नहीं कोसा, तो आप कहां से बन गए कोसने वाले। उन्होंने तो आपके लिए अच्छा ही किया है, हमारे लिए अच्छा किया है, हमें अच्छी सीख दी है। सिर्फ थोड़ी सी बात, नंबर आपकी अपनी गलती से कम आए हैं, टीचर गलती से नहीं, वो तो अपना काम कर रहे थे। क्या आपने अपना काम किया? और जब आपको पता था कि टीचर बेकार है, 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, भाई वहां क्यों पढ़ रहे थे आप? क्यों? जब आपको मालूम पड़ चुका था कि टीचर बेकार पढ़ाए, क्यों पढ़ रहे थे आप? इसलिए पढ़ रहे थे, आपका भी तो स्वार्थ था कहीं ना कहीं, स्वार्थी तो आप भी थे। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो टाइम पास करने का हो, लेकिन कारण तो था दिलचस्पी, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो किसी चीज की हो, लेकिन दिलचस्पी थी। तो इन सारी बातों से एक बात निकलती है कि किसी को ब्लेम करने से पहले एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखो कि तुमने क्या किया है। और रह गई बात पढ़ाई की, तो गाइस इस वीडियो में जो भी कुछ आपको बोला है, ये आप बीती बातें हैं, मुझ पर बीती हैं और हो सकता है आप पर भी बीती होंगी। और
इससे कोई बच नहीं सकता। सबके ऊपर बीतती है, सबको इसका सामना करना पड़ता है। मुझे तो बस दो बातें याद है, कभी किसी ने महात्मा बुद्ध को बहुत ही भरा बुला कहा था, बहुत ही कहा था, गलत कहा था, बेइज्जती करी थी, अपमान करा था, उनके मुंह पर थूक दिया था, लेकिन बुद्ध जी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखा, और अगले दिन जब वो व्यक्ति दोबारा मिला, उसने कहा, उसे रियलाइज हुआ कि यार गलती मेरी थी। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि कल मैंने आपको बहुत गलत बोला था, मुझे आप माफ कर दीजिए। तो बुद्ध जी ने कहा, मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन है? वो आदमी हैरत में पड़ गया कि कल मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी और आप मुझे भूल गए। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कल की बात कल पर ही छोड़ दी थी, मैं तो आज को देख रहा हूं। गाइस, आप भी आज को देखिए, मैं भी आज को देख रहा हूं, हम सब आज को देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज तकलीफ दे उसको बार बार सोचने से तकलीफ ही मिलेगी, खुशी तो बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। सो गाइस, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बुरी लगी है तो बुरा लिखिएगा, अगर अच्छी लगी है तो अच्छा लिखिएगा, और आपको नॉर्मल लगी है तो नॉर्मल लिखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप जल्द से जल्द देख सके। गाइस, आने वाली वीडियो में आपको आने वाले एग्जाम के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइस, देखते रहिए आपका अपना चैनल, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।